भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीक ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता कोई बंधन नहीं चाहती है। J&K में मुफ्ती और अब्दुल्ला की सरकार में खानदानी लोग द्वल्प होते हैं, आम आदमी पीड़ित था, अब आम आदमी को विकास मिल रहा है। मुफ्ती महबूबा सही मायने में पाकिस्तान की एजेंट हैं, जिन्होंने अपना रंग दिखा दिया है। पहले मुफ्ती महबूबा ने झंडे को हाथ लगाने से मना किया था और अब इमरान खान से हाथ मिला रही हैं, जिससे स्पष्ट है कि ये लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं, जो देश की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हिमाचल की बेटी ने भी आवाज उठाई तो उसकी सुरक्षा छीन ली गई, राजनीतिक दुश्मनी निकालने का काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जिन्ना की तरह देश को बांटा जा रहा है, लेकिन जल्द ही ओवैसी फ्लॉप होंगे। ओवैसी के बिहार में जो 5 विधायक जीतकर आए हैं, वे कुछ नहीं कर पा रहे। असम में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा। वो चुनौती नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, ओवैसी देश के लिए उतना ही खतरा है जितना जिन्ना था। जिन्ना ने सत्ता के नाम पर, कुर्सी के नाम पर देश तोड़ा, पाकिस्तान बनाया। ओवैसी भी उसी के पद चिन्हों पर चलकर देश को तोड़ने काम कर रहे, हिंदू मुसलमान को बांटने काम कर रहे। अब उनका चलने वाला नहीं। जिन्ना ने जो बांटा था, आज भी उस दंश को हम झेल रहे, और आज यहाँ जो हैं वो भारत को प्रेम करने वाले लोग हैं। हमने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान जो बना था उसको लात मारा। हमने यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम भाई एकता को साबित करने लिए हम यहाँ साथ रहे, साथ हैं, साथ रहेंगे। हम बटने वाले नहीं। मुझे लगता है ओवैसी बुरी तरह से वहाँ फ्लॉप होने वाले हैं। मुझे लगता है काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। बिहार के जो 5 विधायक चुनकर आए, आज पछता रहे, क्योंकि सरकार में जो लोग हैं वो ज्यादा काम कर रहे। वो जो 5 विधायक हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही काम कर रहे, और वहां की जनता ने भी देखा है कि ये जो 5 विधायक चुनकर आए ये कोई विकास का काम नहीं कर पा रहे। हमसे गलती हुई अगर इनकी जगह पर हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर भेजा होता है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल ने जो बिहार में हुआ है उससे जरूर सबक लिया है। अब ओवैसी कहने में आने वाले नहीं है। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि एक बहन हमारी यहाँ की हिमाचल की है, जब उन्होंने सरकार के कुरीतियों को आगे किया, उजागर किया, तो उसकी उसको सुरक्षा नहीं दी सरकार ने, हमें केंद्र सरकार से सुरक्षा देना पड़ा। मुझे भी सुरक्षा था, उन्होंने उस सुरक्षा को हटा लिया, क्योंकि उनको लगता था कि भाई ये ज़्यादा आगे ना बढ़े, राजनीतिक काम ना करें, हमारे खिलाफ ना बोले या लोगों को सच ना दिखाएं, तो उनको ऐसा लगा। अब उन्होंने एक कोर्ट में गया, कोर्ट को उन्होंने कहा कि हमने इनको सुरक्षा दिया हुआ है, गनमैन दिया हुआ है, जबकि गनमैन सिर्फ नागपुर में है मेरे। मैं नागपुर से बाहर निकलता हूं तो मुझे कहीं सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कोर्ट को भी गुमराह किया। अब मैं कोर्ट को सच बताऊंगा, मुझे लगता है मैं फिर से कोर्ट में जाऊंगा, उनको बताऊंगा जो गनमैन दिया हुआ है, जो लगता है इनको पर्याप्त है, ये तो सिर्फ नागपुर के लिए है। मैं हिमाचल में जाता हूं, मुझे वहां सुरक्षा नहीं है। मैं दिल्ली में जाता हूं, मुझे वहां सुरक्षा नहीं है। मैं असम में जाता हूं, मुझे वहां सुरक्षा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक दुश्मनी निकाल रहे, लोगों को डरा रहे कि आप मेरे खिलाफ जाओगे तो आपको हम प्रताड़ित करेंगे, आप हमारे लूट के खिलाफ मत बोलें, अपना मुंह बंद रखें, नहीं तो आपको परेशान किया जाएगा। नहीं, मैं आश्वासित कहीं नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार से सत्ता के लालची लोग, वो सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो धर्म के ठेकेदार थे, जिनको मुसलमान वोट बैंक लगता था, अब मैं उसको सच बता रहा हूं, मैं उनको आईना दिखा रहा हूं, तो उनको लगता है ये तो हमारा खेल खराब कर रहे, तो वो उनका खेल ना खराब हो इसके लिए वो मुझे भी प्रताड़ित करने काम करते हैं। हमलावर है और उन्होंने इमरान खान के साथ जो है ये कहा है कि बात करनी चाहिए भारत को, तो कहीं ना कहीं फिर से 370 का डर जो है वहां के अल्पसंख्यक समाज में दिखाया जा रहा है, आप किस तरह इसको देखते हैं और क्या इसके लिए काम करें? मेरा सबसे ज्यादा संवाद जम्मू कश्मीर में हुआ, मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
वहां के लोगों में खुशी है। अभी जो चुनाव हुए वहां के लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, लोग कोई बंधन नहीं चाहते हैं। और वहां पर सरकारें जो थी, वो चाहे मुफ्ती की सरकार हो चाहे अब्दुल्ला की सरकार हो, ये खानदानी थी, वहां खानदान के लोग डेवलप होते थे। आम आदमी शोषित था, पीड़ित था, अब आम आदमी को डेवलपमेंट मिल रहा है। और ये मुफ्ती जो है वो सही मानों में पाकिस्तान की एजेंट है, उसने अपना रंग दिखा दिया। अभी पहले उन्होंने झंडे को हाथ लगाने से मना किया था, अब इमरान से हाथ मिला रही है। ये धीरे धीरे अब खुलेआम दिख रहा है कि ये लोग पाकिस्तानी एजेंट है, ये देश के लिए, एकता अखंडता के लिए दुश्मन है।